देखिए हम लोगों को कोई शौक नहीं है तपती दोपहर में इतनी गर्मी में सबको लेकर आके इतनी गर्म जमीन पर बैठने का। पिछले 3 महीनों से 3-4 ज्यादा ही हो गया रहेगा, मुंब्रा कौसा के कई भागों में पानी की जो मेन लाइन है उससे पानी ही नहीं पुर रहा है लोगों को। कोई भी झूठ या क्यों, जहां पर पानी आता है वहां पे लोग बोलते कि आ रहा है, पर कितने सारे मुंब्रा कौसा के ऐसे विभाग है जहां पर पानी नहीं है, मेन लाइन का ही नहीं है। टैंकर से तो दूसरी गोष्टी आहे, बघा टैंकर आपला अल्टरनेटिव आहे, पण आज टैंकरचा शटडाऊन पण होता। 3 दिवसापासून मेन लाइनचा शटडाऊन झालाय, ठीक आहे, मेन लाइन से उसकी जो है पानी की कमी हो रही है। अब कल संडे होता तो काल पण टैंकर बंद होता, आणखी आज पण शटडाऊन होता टैंकरचा। तो आप मेरे को ये बताइए कि मेन लाइन से पानी आएगा नहीं पब्लिक को, जो अल्टरनेटिव है उससे भी पानी नहीं रहेगा, तो हम पब्लिक को क्या जवाब दें? वेयर इज, हम तो मीडिएटर है, प्रशासन और पब्लिक के बीच के मीडिएटर हम हैं। अब पब्लिक हमारे घर के बाहर तक, इतने सारे जो पब्लिक जमा हो गई थी आज अभी पानी के लिए, तो आप बताइए कि हम उनको क्या जवाब देंगे? 3-3 अगर मेन लाइन का भी शटडाउन रहेगा, अभी जितने भी सारे फेस्टिवल है, रामनवमी और रमजान और जितने भी सारे त्यौहार है उसमें ही आप पानी नहीं पब्लिक को दे पा रहे हो, तो फिर 40 साल की महापालिका पे कितना बड़ा शेम है, कितना बड़ा शेम है 40 साल की महापालिका पे कि इतने साल बाद तो आप पानी नहीं दे पा रहे हो मेन लाइन में, तो क्या है? शेम ऑन महापालिका देन, एंड शेम ऑन द पीपल हु इज वर्किंग फॉर महापालिका। अधिकारी मंत्र्यांना देखील खोटी माहिती देतात असं समोर आलेलं आहे। सॉरी, ये अधिकारी मंत्र्यांना देखील खोटी माहिती सांगतात। ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग बता दूं कि ये जो आपने ये आरोप एकदम सही और दुरुस्त है कि अधिकारी जो है हमारे मिनिस्टर साहब को गलत में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पानी की इधर सर्वे होता है तो वहाँ पर जाकर जो है 2 दिन के लिए पानी दे देंगे, मिनिस्टर साहब को वहाँ पर वीडियो निकाल के भेजेंगे और बोलेंगे हमको, आपको पानी मिला क्या नहीं, वो ऐसा बोलते कि आपको पानी मिला क्या नहीं, मिला ना पानी मिला ना आपको, ये करते वीडियो निकाल के और मिनिस्टर साहब को हमारे देते हैं और उनको ये आश्वासन देके सर पानी का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, गुड़ी पावड़ा हमारे हिंदू बंधुओं का गुड़ी पावड़ा, हनुमान जयंती, उसके बाद में रमजान ईद, ये चार सन निकल गए ये 2 महीने के अंदर, फिर भी पानी का कोई नियोजन नहीं। टाकी बन गई है, टाकी सिर्फ नाम के लिए बना दी है, लेकिन उसको पानी को टाकी को भरने के लिए इनके पास कोई नियोजन नहीं। हम बार बार मांगनी यही करते हैं कि भाई पानी 50 इसके पहले जो है 45 ml पानी मिलता था, 45 ml मिलने के बाद में आज हमारे मिनिस्टर साहब ने 50 ml पानी ले लिया, ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कई पर सम पंप बन गए, कई सर बनने का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर उसका रिजल्ट एकदम जीरो है, जीरो। ये सर सम पंप बना दिए, ओपनिंग हो गई है, लेकिन पानी उसमें जीरो, रिजल्ट जीरो है। और वो करना ये है कि प्रशासन के पास हम बार बार जब गुहार लगाते हैं कि हमारे में पानी कहाँ जा रहा है, हमको सिर्फ आश्वासन कि भाई आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज वो प्रॉब्लम हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो। रमजान का पूरा सन निकल गया, लेकिन पानी से मुंब्रा जो है आज भी वंचित ही है और हमको वंचित ही रखा जा रहा है। टैंकर मेरा तो क्लियर कट आरोप है, ये जो एक स्कैंडल है, ये भ्रष्टाचार है कि आप जैसे कि अभी इन्होंने खुद सर ने कहा कि 40 से 45 टैंकर चल रहे, मेरी जानकारी में बताऊं 60 से 65 टैंकर चलते हैं, इसमें महापालिका के 18 फेरे होते हैं, बाकी सारे फेरे रात के 2-2 बजे तक चलते हैं और एक एक टैंकर जो है जरूरतमंद आदमी 4,000, 6,000, 8,000, जबकि रमजान के दिन मैं आपको बता दूँ चांद रात के दिन 8,000 के अंदर एक एक टैंकर गया है, 8,000 में। तो ये जो इतना बड़ा स्कैंडल जो चल रहा है ना, वो सिर्फ टैंकर माफिया और ये अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है, नहीं तो ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ। और दूसरी बात कि ये जो है जो बड़े धन्ना लोग हैं उन लोगों को पानी पूरा जा रहा है, लेकिन गरीब को पानी नहीं मिल रहा है। 2-2 इंच की लाइन को टैपिंग मार के डायरेक्ट लाइन दी जा रही है,
हमारी जंग है। हम जब उसके और बोलते कि भाई इसको सर्वे करो, लाइन चेक करो, तो आज तक 6 महीने हो गए लेकिन आज तक इन्होंने सर्वे नहीं किया। इसके पहले भी टैंकर माफिया को लेकर आवाज उठाई गई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने टैंकर माफिया के नाम पे ये कर दिया कि जिन लोग जो लोग टैंकर देते थे उनका फाइल रद्द कर दिया। अब आप उसके बाद हमको यही बोलते हैं भाई टैंकर नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे। अब उन्होंने ये क्या ताला लगा के आंदोलन किया गया था, लेकिन पानी पुरोठा विभाग अभी भी वैसे ही है, क्या कहेंगे उसके लिए? टाइमिंग सही कर देते हैं इसका चमड़ी का। एक जंग को जीतने के लिए उसको बहुत बार लड़ना पड़ता है, तभी हम जंग जीत पाते हैं। बहुत बार एक जंग को लड़ना पड़ता है, तब जाके वो जंग जीते जाएंगे। तो अब ये मेरा लास्ट रहेगा यहाँ पर मुमरा में, इसके बाद पब्लिक का जो हाहाकार रहेगा वो थाना में रहेगा। और ये मैं खुले में बोल रही हूँ, छोटा वार्निंग, ये मैं मेरा नेक्स्ट प्लान बता रही हूँ आपको कि तीन दिन में अगर मुमरा कोसा की जो परेशानी है पानी को लेकर, वो प्रशासन या जो भी है हेड ऊपर जो भी है वो नहीं सॉल्व करते, तो 3 दिन के अंदर पब्लिक का जो कहार रहेगा, पब्लिक का जो आवाज़ रहेगी वो थाना में मेरे साथ रहेगी। ये ओपन चैलेंज है, ये ओपन प्लान है कि आगे ऐसा होगा। आज मैंने ट्वीट भी किया था ट्विटर पे, ये सबने देखा भी रहेगा, ट्विटर पे ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह डाला है मैंने कि पब्लिक का जो हाल है उसको ट्वीट करना जरूरी है। आम पब्लिक ही नहीं सुनते, लोग अक्सर सोशल मीडिया पे तो जरूर पढ़ लेते हैं कि क्या चल रहा है, तो वहीं पर देख लो आप, वहीं पर पढ़ लो कि पब्लिक की क्या डिमांड है, हमारा क्या हाल है। तो 3 दिन में अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं होती है तो हम पूरे सारे लोग थाने जाएंगे, ये फॉर श्योर। पानी विभाग, अलमोस्ट कॉलोनी, डोगरे कॉलोनी, अकॉर्ड कॉम्प्लेक्स, जो पानी का प्रॉब्लम है, शंकर मंदिर, दादी कॉलोनी, जो पानी का प्रॉब्लम है उसके बारे में आया है। जो अलमास कॉलोनी में जो पानी का पुरोठा होता है वो सुबह 4 से 6 बजे तक डायरेक्ट सप्लाई होता है। और जो अलमास कॉलोनी में जो सम्प और पंप हाउस बनाया उससे दो टाइम उस एरिया में पानी पुरोठा कर पानी दिया जाता है। जो अभी उनका बात है उसके पानी दिया जाता है, उस बारे में हम जानकारी करेंगे। हमारे आदमी जाएंगे 4 से 6:30 बजे तक, वो चेक करेंगे, उसके बाद क्या हाल है वो देख, उसके बाद हम उसके एक्शन लेंगे। मतलब कब तक हल निकल जाएगा इसका? सुनो ना, हकीकत क्या है वो भी देखना पड़ेगा, पानी आता है क्या ऐसा है ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो नया लाइन डाला है रिमॉडलिंग में 3 दिन का, वो हम 4 दिन में कमिश्निंग कर रहे हैं, उससे अलमास कॉलोनी, एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स, डोगरे शंकर मंदिर, ये एरिया को पानी अच्छी तरह से मिल जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। तो हम 4 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान निकल जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। फोर्स को लेकर भी काफ़ी शिकायतें हैं कि फोर्स ही नहीं है पानी में। अभी फोर्स शटडाउन थोड़ा बड़ा भी हो गया, और शटडाउन के बाद थोड़ा प्रेशर कम ही रहता है, उसके वजह से प्रेशर फोर्स कम रहता है। अभी 1-2 दिन में अपना प्रेशर भी चालू रहेगा, हमारा काम भी हम करते रहेंगे, तो हम ऐसा आश्वस्त करते हैं प्रेशर भी अच्छा रहेगा, पानी भी सबको मिलेगा। नहीं, आज के बाद पानी की तकलीफ मुमरा कोसा में नहीं होगी, ऐसा मैं बता नहीं सकता है, पर लेकिन कम कर सकता हूँ। अभी पिराना टावर और वो आसपास के कई इलाकों में पानी नहीं आया, होने वाले हैं, कम कर रहे हैं, सोल्यूशन निकालेंगे, ये कर सकते हैं। पानी का प्रॉब्लम इतने सालों से सर सिर्फ सॉल्यूशन ही निकल रहा है, ऐसा हर सिटी में है, पुणे में है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद कितना पानी कंडीशन है, एक एक हफ्ते के बाद मुमरा में रहते हैं ना सर वाले भी। सर आप बहुत दूर जा रहे हो, आप तो दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप मुझे बताओ ना बॉम्बे में है क्या? नहीं सर, वो फॉर्मूला आप हमको बता दो जिसमें पानी की, जो मैंने बताया वो हम करेंगे, उससे थोड़ा नहीं, मुंबई में ही नहीं है पानी की परेशानी, पानी का तकलीफ कम होएगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं।